हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले ढाबा स्टाइल में मसालेदार रेहू फिश करी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप भी इस तरीके से एक बार ढाबा स्टाइल में मसालेदार रेहू फिश करी जरूर बना के देखिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मसालेदार रेहू फिश करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 800 ग्राम रेहू फिश लिया है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम फिश को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इन सभी मसालों को फिश के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट होने देंगे। अब हम करी बनाने के लिए सबसे पहले मसाला रेडी कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, दो मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, एक चम्मच पीला सरसों, एक चम्मच पोस्ता दाना जिसे हम पॉपी सीड के नाम से भी जानते हैं। इसे फिश करी में डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप जितना सरसों ले उतना ही पोस्ता दाना भी ले। दो पूरा लहसुन छील के, डेढ़ इंच कटा हुआ अदरक, 5 से 6 सूखी लाल मिर्च लिया है। अब इन सभी मसालों को एक मिक्सर के जार में ऐड कर लेंगे। अब हम मसालों का अच्छा सा पेस्ट रेडी करेंगे। देखिए मैंने इस तरह से मसाला का पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लगभग 6 से 7 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। देखिए ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके फिश को डाल देंगे। एक बार में जितना फिश अटेगा उतना ही हम डालेंगे और हम फिश को मीडियम फ्लेम में दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए फिश एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम टर्न कर देंगे और इसे हम फिर से मीडियम फ्लेम में दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए फिश दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। और हम इसी तरह से बाकी बचा फिश को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने उसी तरह से सारे फिश को फ्राई कर लिया है। अब हम इसी ऑयल में हमने जो सरसों और पोस्ता दाना का पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड करेंगे। अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में कवर करके अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसे तेल ना अलग हो जाए। देखिए इससे तेल अलग हो चुका है, यानी कि अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे मीडियम फ्लेम में कवर करके अच्छे से फ्राई होने दें जब तक कि इसे तेल ना अलग हो जाए। देखिए मसाला से तेल अलग हो चुका है, यानी कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं टोटल 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम ग्रेवी को कवर करके मीडियम फ्लेम में एक उबाल आने तक अच्छे से पकने देंगे। देखिए ग्रेवी में एक उबाल आ चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें हम फ्राई किया हुआ फिश को एक एक करके डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम फिश को ग्रेवी के साथ बिना ढके मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है और हमारा जो फिश है वो ग्रेवी के साथ अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए हमारा ढाबा स्टाइल मसालेदार रेहू फिश करी बनके रेडी है। देखिए हमारा ढाबा स्टाइल मसालेदार रेहू फिश करी बनके रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, चावल, पराठा किसी साथ भी सर्व कर सकते हैं। और आपने देखा कि इसे बनाना भी कितना आसान है और लेकिन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ढाबा में भी इसी तरह से सरसों और पोस्ता दाना मिला के फिश करी बनाया जाता है, इसीलिए इतना रिच और टेस्टी बनता है। आप भी इस तरीके से एक बार ढाबा स्टाइल में मसालेदार रेहू फिश करी जो बना के देखिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।